हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम विजय पाल यादव है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम विजय पाल यादव M59 है। तो आप लोग काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, लोग मेरे चैनल को देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ये है कि जो लोग इंडिया में मुझसे पूछते हैं कि मुझे काम दिला दो या बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो मैं पहले साफ मना कर देता हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और कुछ ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। लेकिन एक जगह से मुझे ऑफ़र आया है, 5 हैवी ड्राइवर चाहिए जो कि बस ड्राइवर हों और अच्छे से उनको मतलब काम करना आता हो, उनका हैवी लाइसेंस होना चाहिए, अगर इंडियन लाइसेंस है तो भी काम हो जाएगा। तो 5 लोगों की ज़रूरत है। तो अगर जो भी भाई मुझसे जाना चाहते हैं और उनके पास हैवी लाइसेंस है, वो ड्राइवर हैं, ड्राइविंग करते हैं और उनके पास पासपोर्ट है, तो आप मुझे जो है मेरे इंस्टाग्राम BJM59 पे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। पासपोर्ट ECNR जो भी है दोनों हैं, तो दोनों चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी खर्चा है या जो भी उसका पेमेंट है वो सब आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं जो है ज़्यादा जानकारी बता दूंगा। इसमें किसी और ने मुझे बोला है और मुझे बोला कि 5 हैवी ड्राइवर चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमें एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करें। और आपको पहले पैसा वैसा कोई पे नहीं करना है और किसी तरीके से फ्रॉड नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसे कि आप लोग मुझे मैसेज करते थे कि ये मेरे मुझे काम दिला दो या कहीं हो जुगाड़ तो बताओ, मैं साफ मना कर देता था कि मैं ऐसे किसी उसमें नहीं पड़ना चाहता हूँ कि जिसमें आपका कोई नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन मुझे डायरेक्ट मर्सेज से कॉन्टेक्ट किया किसी ने और उसने ऐसे ऐसा बताया। तो आप अच्छी बात यह है कि इंडिया में आपको कोई पैसे नहीं पे करने हैं, कुछ ऐसा नहीं करना है, जो भी होगा तो वहाँ पर आपको जाके देना है। तो आप लोग चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, आगे का मैं बात करूँगा। और बस एक छोटा सा ये वीडियो था। और अगर मर्सेस के बारे में बात करूँ तो मर्सेस ड्राइवर का वहाँ पे शायद दिन दिन में ही काम होता है, आप 6 बजे से शाम 6 बजे या 7 बजे तक ही काम होता है। कभी कभी क्या होता है, एयरपोर्ट से आपको आदमी लेने जाना है तो आपको वो जाना पड़ेगा, बाकी वहाँ जो भी काम होता है दिन में ही काम होते हैं, सारे काम होते हैं। और शायद तो मॉर्निंग 6 बजे से शाम 6 बजे या 7 बजे तक ही होता है, 7 बजे के बाद वहाँ सारी चीज़ें क्लोज हो जाती हैं। वहाँ नाइट लाइफ उतनी फेमस नहीं है। नाइट की लाइफ की बात करें तो अगर ग्राम्बे में है या कतरबोन में है या फोर्टलिस में तो नाइट का कोई मतलब नहीं है। तो ग्राम्बे में कुछ शॉपिंग मॉल हैं, नाइट क्लब हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा होती है जो टैक्सी ड्राइवर लोग हैं वो काम करते हैं, तो थोड़ा अगर वो छोड़ दिया जाए तो बाकी जो है वहाँ जो नाइट में उतना नहीं होता है, जो भी काम होते हैं वहाँ पे दिन में ही होते हैं। तो आप लोगों को दिन में ही काम करना होगा। और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे विजय पाल यादव M59 पे और आगे की बातचीत करें। और कुछ लोग मैसेज करते हैं कि मॉरिशस का वर्क परमिट बनने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए, मॉरिशस का वर्क परमिट बनने में पहले होता था 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लग जाता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वहाँ पे कुछ काम में तेज़ी लाया है। तो फिर भी अभी जो है मैक्सिमम 6 महीने तो लग ही जाते हैं, अगर मिनिमम जो है 2 महीने से रख लीजिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा रहे हैं, हेल्पर या जो भी उसका काम है उसमें जा रहे हैं, तो भी आपका 2 महीने का प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि लगभग 1 महीने का आपका जो मेडिकल वेरीफाई होने में लग जाता है, फिर 1 महीने जो है वर्क परमिट के प्रोसेस में लग जाता है। अगर ये दिसंबर और जनवरी में नहीं है, तो अगर आप दिसंबर से पहले अप्लाई करते हैं, नवंबर में अप्लाई करते हैं, तो समझ लो परमिट आपको मार्च के आसपास मिलेगा या फरवरी में मिलेगा, जनवरी से इस जारी होना चालू हो जाता है। तो क्योंकि दिसंबर और जनवरी में काम थोड़ा स्लो हो जाता है मॉरिशस में, जिससे बहुत सारे पब्लिक हॉलीडे हो जाते हैं, उसके बाद साइक्लोन या ऐसे कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो काम स्लो हो जाता है, और दिसंबर के लास्ट में तो काम बिल्कुल स्लो हो जाता है। तो अगर आप दिसंबर और जनवरी में अप्लाई नहीं कर रहे हैं आपका परमिट वर्क परमिट,
तो जो है फिर भी आपका 2 महीने से लेके 6 महीने का टाइम लगता है। तो ये जो लोग पूछ रहे थे कितना टाइम लगता है, तो ऐसे टाइम लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो मैसेज करते हैं कि मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ, 4 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ, और कितना टाइम लगेगा। तो इतना टाइम लग जाता है, आपका वर्क परमिट पहले आता है, फिर उसके बाद आपका रेसिडेंट परमिट आता है, उसमें 10-15 दिन लग जाता है, कंपनी बुलाती है, तो समझो 5-6 महीने का प्रोसेस होता है मॉरीशस का। और अगर वो मॉरीशस में बेसिक सैलरी की बात करें तो वहाँ पे बेसिक सैलरी अलग अलग है। अगर मिनिमम की बात करें तो 12,000 रुपये जैसा अभी फिलहाल चल रहा है। लेकिन वहाँ पे जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन में गए हैं या फिर आप इंजीनियर हैं, तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी सैलरी वहाँ पे ज़्यादा होगी। 35,000 या डॉलर में आपका सैलरी लगता है, $1,000 या फिर $800, $700, जो भी डॉलर में अगर सैलरी आपकी लगती है, तो आपका बेसिक ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपका वहाँ 15,000 रुपये या 20,000 रुपये जो है बेसिक सैलरी हो जाती है, मिनिमम शायद 15,000 हो जाती है। तो आपके पेमेंट के ऊपर है, अगर आपके पेमेंट ज़्यादा है तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। अगर आपका पेमेंट जो है नॉर्मल है, वहाँ के मॉरीशस के जैसे कि नॉर्मल पेमेंट है, बेसिक है, तो 12,000 रुपये के आसपास लगाएंगे। तो बेसिक सैलरी जो है अलग अलग है। और अभी सैलरी क्या चल रही है मॉरीशस में, लोग ये पूछते हैं। तो 15,000 रुपये, 12,000 रुपये बेसिक है, थोड़ा और अलाउंस वो सब मिला के 15,000 रुपये के आसपास जो है, होटल में, लेबर में, और भी कंस्ट्रक्शन लाइन में, सिलाई में, और भी चीज़ों में जो है 15,000 के आसपास देते हैं। 15,000 से हो सकता है 18,000 हो कहीं पे, और बस यही 15-18 हज़ार रुपये देते हैं। और भी अगर कुछ चीज़ों में है, इलेक्ट्रिशियन है या कोई और काम है, तो उनका 20,000 है, 25,000 है, 22,000 है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सैलरी है। तो ये सैलरी की बात हो गई। तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि क्या मुझे आप काम दिला सकते हैं, मुझे वीज़ा दिला सकते हैं। तो मॉरीशस का जैसे वीज़ा तो ऐसे इंडियन के लिए है नहीं। आपका होटल बुकिंग हो, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो, और आपकी वैक्सीन हो, सारी चीज़ें ओके हैं, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए, और वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। और मॉरीशस में बहुत सारी जगह है घूमने टहलने के लिए, आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काम के थ्रू पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे वीज़ा दिला दीजिए, तो देखिए मैं साफ मना करता हूँ कि मैं ऐसे किसी एजेंसी के साथ काम नहीं करता हूँ, या मैं किसी एजेंट के साथ नहीं काम कर सकता करता हूँ कि मैं आपको बता दूँ आपके पैसे फंस जाएँ या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। लेकिन अभी मुझे 5 ड्राइवर के लिए एक जेनुअन, एक विश्वसनीय है, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। तो उनका अपना एक चार्ज है, वो चार्ज क्या है जब आप मेरे इंस्टाग्राम विजय59 पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। तो उन्होंने बताया, तो मैं बोला ठीक है, मैं अपने वीडियो में जो है ये शेयर करूँगा। तो बस यही ही। और अगर कुछ ऐसा जेन्युइन तरीके से आता है, कुछ सही तरीके से आता है, तभी मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। बाकी मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आप मुझे होटल में काम दिला दें या और कहीं पे काम दिला दें। तो मैं ऐसे नहीं काम किसी को, मैं समझता हूँ कि पैसे कितने मेहनत से आते हैं। गरीब आदमी होते हैं या कुछ थोड़ा अच्छे आदमी होते हैं जो पैसे, एक एक पैसे को बटोर के जोड़ के करते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं, उनके माँ बाप पैसे को इकट्ठा करते हैं, फिर एजेंट लोग वीज़ा के नाम पे 1-2 लाख रुपए खा लेते हैं, फिर उनको उनके दिल पे क्या बीतती है। तो मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता हूँ जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप काम करें इसमें आपको कुछ पैसे मिलेंगे, तो मुझे कुछ पैसे किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ पैसे किसी से कमाने जाऊंगा, हो सकता है किसी के साथ बुरा हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं गाइड कर सकता हूँ सही तरीके से कि आप काम कैसे करें, कैसे कैसे एजेंट लोगों से मिलें, तो आपका काम हो, सही गलत क्या है, मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ। तो यही है। और आप लोग जो है एजेंट से अगर मिलते हैं, तो सबसे पहले उनसे पूछें कि आपने कितने लोगों को भेजा है। अगर भेजा है तो मॉरीशस में आप मुझसे उनसे बात कराइए, 2-4 लोगों को भेजा होगा। और पहले पैसा किसी को मत दें। मेडिकल के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब मॉरीशस में आया था तो मेडिकल मैंने अपने पैसे से ही करवाया था। उसके 8 महीने के बाद जो मैं मॉरीशस आया, तो
तो मेडिकल के लिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, जो भी 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं तो मेडिकल के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। और मेडिकल का जो पैसा है किसी के हाथ में मत दें, आप डायरेक्ट जहाँ पे उनका हॉस्पिटल है उसको पे करें। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग मेडिकल में भी पैसे कमा लेते हैं, आपसे पैसे ले लेंगे, बोलेंगे आपका वहाँ मेडिकल होगा, आपका ब्लड लिया, एक्सरे किया, 1000-1500 का काम किया, उसके बाद में जो है 5 हज़ार आपसे लिया, 5-6 हज़ार लिया, तो उसमें भी 2-3 हज़ार कमा लेते हैं। यदि मान लो 10 आदमी आ गए तो उनके जो है 40-50 हज़ार का काम हो गया। तो ऐसे भी लोग करते हैं, तो आप बहुत सावधानी के तरीके से काम करें, लेकिन मेडिकल के लिए आपको विश्वास तो करना पड़ेगा किसी के ऊपर। बाकी किसी भी तरीके से आप किसी को भी 1 रुपये मत पे करें। पहले आपको बोलो कि मेरा काम करके दो, मेरा परमिट वो सब दो, मेरी फ्लाइट करवाओ, उसके बाद जो है मेरा आदमी जो है आपको पैसे देगा, और उससे पहले आप किसी तरीके से कोई पैसे मत दें। और भी ये जिनके सवाल हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और बहुत दिन के बाद आप लोगों के साथ मुलाकात हुई, तो ऐसे ही प्यार बनाए रहें आप लोग, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी सवाल जवाब हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम vijay_m59 पे। बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का, थैंक यू सो मच।